फ्रेंड्स, वेलकम टू द माई चैनल। आई एम गिविंग यू टू द बेस्ट, प्रोबेबली द बेस्ट ड्रीम इलेवन टीम फॉर द सेकेंड मैलेगन एसिड टेस्ट। सो फर्स्ट हम अब विकेट कीपर चूज करेंगे। ज़्यादातर फॉर्म देखते हुए जॉनी बेयरस्टो कभी भी अच्छा रहेगा टीम पेन से, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो टीम पेन से बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करता है, इसलिए मैंने जॉनी बेयरस्टो को पिक कर रहा हूँ। उसके बाद अब पांच बैट्समैन स्टीव स्मिथ और जो रूट, वो तो फिक्स है, दोनों का फॉर्म देखते हुए दोनों फिक्स है, वो उनको लेना चाहिए। उसके बाद पीटर हैंड्सकॉम अच्छा रहेगा और जेम्स विंस। जेम्स विंस ने अच्छा खेला पहली टेस्ट में, उसका फॉर्म अच्छा है, इसलिए जेम्स विंस को ले रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं उस्मान ख्वाजा को लेना चाहूँगा, क्योंकि उसका डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने उस्मान ख्वाजा को वार्नर की जगह उस्मान ख्वाजा को पिक किया मैंने। और आप सबको बता दूँ कि से प्रोबेबली 90% मोइन अली ये टेस्ट नहीं खेलेगा, क्योंकि उसके फिंगर को इंजरी हो गई है, इसलिए मोइन अली को मत लेना। मिचेल स्टार्क अच्छा रहेगा, और आपको तो सबको पता है कि डे नाइट टेस्ट है, पिंक बॉल का टेस्ट है, इसलिए बॉलर ज़्यादा अच्छे करेंगे, इसलिए मैं जॉश हेजलवुड, नेथन लॉयन, पैट कमिंस और स्टुअर्ट बार्ड को लेना चाहूँगा, क्योंकि अंडर द लाइट बॉलिंग अच्छी रहेगी और प्रोबेबली ये टेस्ट लो स्कोरिंग थ्रिलर होगा, या ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी होगी और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। सो नाउ यू हैव टू चूज़ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, सो आई विल गो विद द अगेंस्ट द फ्लो, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग अभी स्टीव स्मिथ को कैप्टन करेंगे, क्योंकि उसने पहली टेस्ट में 100 बनाया, इसलिए आई एम गोइंग अगेंस्ट द फ्लो एंड उसका रिकॉर्ड अच्छा है डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए मैं उस्मान ख्वाजा को कैप्टन करना चाहूँगा। और मिचेल स्टार्क जो कि अंडर द लाइट्स विद द पिंक बॉल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए उसको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। सो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ड्रीम इलेवन टीम अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड टेस्ट अभी थोड़ी देर में मैं पोस्ट करूँगा, सो स्टे अपडेटेड विद माय चैनल। थैंक यू गाइस।